ढिंग एक्सप्रेस के नाम से दुनिया भर में विख्यात असम की 18 वर्षीय धाविका हिमा दास इंडोनेशिया में आयोजित 18वें एशियाई खेलों में धमाकेदार प्रदर्शन करने के अपने गृह राज्य असम पहुंची, तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया। ये रेड कारपेट भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, इसे हिमा के स्वागत के लिए रनिंग ट्रैक का रूप दिया गया था। हिमा का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री पहुंचे थे। इन विशिष्ट लोगों के अलावा उनके स्वागत के लिए धाविका के किसान माता पिता रोंजित और जोनाली दास भी मौजूद थे। कुछ महीने पहले IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद रातों रात भारत में स्टार बनने वाली हिमा ने जकार्ता पोलम बांध एशियाई खेलों में बड़ी आशाओं के साथ पहुँची थी। उन्होंने इन खेलों में एक स्वर्ण और एक रजत सहित दो पदक हासिल किए। इसके बाद महिलाओं की 50 मिनट 59 सेकंड का समय निकालते हुए उन्होंने रजत पदक हासिल किया। इसके बाद महिलाओं की 200 मीटर फर्राटा दौड़ में फाउल स्टार्ट की वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इस अपसेट के बाद हिमा निराश नहीं हुई और उन्होंने 4x400 मीटर मिक्स रिले और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत और स्वर्ण पदक हासिल किया। इस तरह वो एक स्वर्ण और दो रजत पदक के साथ देश लौटी। एयरपोर्ट से हिमा को खुली छत वाली कार में एयरपोर्ट से गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले उस ट्रैक का नमन किया जहां उन्होंने अपने करियर का आगाज किया था। हिमा ने इतने शानदार स्वागत के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं हर किसी को उनके सपोर्ट और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। मुख्यमंत्री ने हिमा के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें 1,60,00,000 रुपए की राशि का चेक भी प्रदान किया। For more information, log on to www.clips.in.